आदाब। हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि हमको सरकार ने यहाँ पर आके जश्न चिरागा का एक हिस्सा बनने की इजाजत दी। Seeing so many people gathering all together with one unique purpose is very emotional and very touching. ऐसे समय में जहाँ पे पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे मोहब्बत का पैगाम बरकरार है। कई भारत हैं और कई इंडिया हैं। एक है जो न्यूज पे अक्सर दिखाई दे जाता है और एक ये है जहाँ पे लोग एकजुट होके साथ खड़े हैं, जो शायद कभी कभी कम देखने को मिलता है। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, खान खान नियाजिया पर। जश्न चिरागा की रस्म चल रही है, दूसरा दिन है। इसको कवर करने के लिए दिल्ली से भी कुछ प्रेस के लोग पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। दिल्ली से हैं और इटली से हैं कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं, उन्होंने क्या देखा है। जी, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम राघव पसरीचा है। मेरा नाम एवा जनितिन। आप कहाँ से? हम लोग दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ। और एवा, आप कहाँ से? इटली। जैसे यहाँ आने का मकसद क्या है? हम लोग असल में एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम दोनों, जो हमारी भारत की गंगा जमनी तहजीब है उस पर कुछ नज़र डालता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और उसमें जो खानका नियाजियों का बहुत अहम किरदार है, जो सूफी सिलसिला है, बस उसके बारे में सीखने के लिए, उसको समझने के लिए। और हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि हमको सरकार ने यहाँ पर आके जश्न चिरागा का एक हिस्सा बनने की इजाज़त दी है। फील कैसा कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? एक लोग आपका वर्क है वो अलग कर रहे हैं जी, लेकिन जब आप यहाँ आए हैं तो आपको लग कैसा है? He's asking how do we feel? बहुत याद हो भी नहीं इंग्लिश इन इंग्लिश वो इंग्लिश में बहुत सुकून है, बहुत खुशी है, बहुत उम्मीद है कि ऐसे समय में जहाँ पे पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे मोहब्बत का पैगाम बरकरार है और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। और देखने को मिलता है कि आवाम का हर हिस्सा साथ मिलकर खुशी और त्यौहार मनाने में लगा हुआ है। और बस हम ये दुआ करते हैं कि ये बना रहे। अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग रंग है जी, भाषाएँ ज़ुबान अलग है और लोगों का पहनावा रंग बहुत कुछ एकदम चेंज है। तो एक जो जोड़ने वाली बात है, जैसे जो फिर भी लगता है कि इतना सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी इंडिया में अभी भी जो उसकी पुरानी चीज़ें थी वो बची हुई है। आप घूमते रहते होंगे इंडिया में, तो आपको ये लगता है कि जो इंडिया का एक जैसे हम धरोहर कह सकते हैं वो अभी बनी हुई है? बिल्कुल, धरोहर तो बनी हुई है, बरकरार है और मुझे लगता है साल दर साल और पुख्ता होती चली जा रही है। आप भी न्यूज़ में काम करते हैं, हम भी करते हैं, पर शायद कई भारत हैं और कई इंडिया हैं। एक है जो न्यूज़ पे अक्सर दिखाई दे जाता है और एक ये है जहाँ पे लोग एकजुट होके साथ खड़े हैं, जो शायद कभी कभी कम देखने को मिलता है, पर बरकरार ज़रूर है, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इंडिया में सब जगह ज़्यादा, जैसे कहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ मिलती है? ऐसा तो कहना ठीक नहीं होगा कि एक जगह कम है या ज़्यादा है, पर हाँ कई ऐसे स्थान हैं, कई जगहें हैं, कई परंपराएं हैं जिन्होंने लोगों को जोड़ के रखा है। मेरा अपना अनुभव बहुत सौभाग्य से एवा और मेरा रहा है महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के साथ, बंगाल में बाउल और फ़कीरों के साथ, और खानका नियाजिया के साथ भी हमारे को बहुत सौभाग्य मिला है देखने का कि कैसे समाज को साथ बुना जाता है, लोगों को एकजुट करके रखा जाता है और ये सामाजिक भावना को बढ़ाया जाता है। पहली बार आए? नहीं, हम पहले एक बार छोटे उर्स में हम हाजिर हुए थे, अब ये हमारा दूसरी बार है। विभा, योर फीलिंग इन दिस प्लेस? आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ फीलिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस, सीइंग सो मेनी पीपल गैदरिंग ऑल टुगेदर विद वन यूनिक पर्पस इज वेरी इमोशनल and very touching, and it's really an honor to be here and feel so welcome from the people here. Women, जैसे यहाँ पे महिलाएं भी, उनसे बात हुई आपका? He's asking, do you feel that women are included? Yes, they are, and I'm seeing lots of kindness, also from and lots of respect from the men, and. I see sometimes that they're moving in different parts, but at the same times there is the sense of sharing the same place, and
I don't see much disparities. Adab.